पे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए इकट्ठे हुए हैं। अरे भाई कितना हो? दिल्ली का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि कई कई सदियों से दिल्ली अलग अलग शासकों की गुलाम रही है। आज से 500 साल पहले भी दिल्ली गुलाम थी, आज भी दिल्ली गुलाम है। पहले दिल्ली मुगलों की गुलाम थी, फिर अंग्रेजों की गुलाम थी, और आज दिल्ली एलजी साहब की गुलाम है। आज आप सब लोग दिल्ली की और दिल्ली वालों की इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जिस दिन दिल्ली को पूर्ण राज्य मिल जाएगा, जिस दिन दिल्ली को पूरी आजादी मिलेगी, जिस दिन दिल्ली में रहने वाले को वो सारे अधिकार मिलेंगे जो अधिकार महाराष्ट्र में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में रहने वालों को मिलते हैं, उस दिन आज का दिन याद किया जाएगा। आज आप लोग इतिहास रचने जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। इन लोगों ने कहते हैं दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। हमने क्या कसूर कर दिया जी, हम यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी के नाम पे इन लोगों ने दिल्ली वालों को जनतंत्र से वंचित रखा है। पूरे देश के अंदर 1947 में आजादी आ गई थी, 1947 में पूरे देश में जनतंत्र मतलब जनता का शासन लागू हो गया। दिल्ली के अंदर जनता का शासन लागू नहीं हुआ, दिल्ली में एलजी राज लागू हो गया। पहले अंग्रेजों का राज था, अब एलजी साहब का राज लागू हो गया। दिल्ली वालों का क्या कसूर है? पूरे देश के लोग अपनी सरकार चुनते हैं, महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, मणिपुर के, असम के, सब लोग वोट डालते हैं, वोट डाल के अपनी सरकार चुनते हैं। वो सरकार जनता के हिसाब से काम करती है, जो जनता कहती है वो काम उनकी सरकार करती है। लेकिन दिल्ली वालों को कहा कि तुम वोट तो डालोगे, अपनी सरकार तो चुनोगे, लेकिन सरकार कोई भी बन जाएगी चलेगी एलजी की। ये तो गलत बात है, ये तो दिल्ली के लोगों से धोखा हो गया, दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है दोस्तों। अभी पिछले महीने जैसा भी गोपाल राय जी ने बताया, मनीष सिसोदिया जी ने बताया, आप सब लोग जानते हैं, 4 महीने से दिल्ली के आईएएस अफसरों ने हड़ताल कर रखी थी, हड़ताल कर रखी थी, हड़ताल कर नहीं रखी थी, हड़ताल करवा रखी थी। यूनियन टेरिटरी के नाम पे तुम आईएएस अफसरों की हड़ताल करवाते हो, ये तुम्हारी यूनियन टेरिटरी है। 4 महीने से दिल्ली के आईएएस अफसरों ने हड़ताल कर रखी थी, उन लोगों की हड़ताल तुड़वाने के लिए मैं कम से कम 6 बार 4 महीने में एलजी साहब से मिला, मनीष जी 5 बार मिले, गोपाल राय जी 4 बार मिले एलजी से, चिट्ठियां लिखी हमने कि हमारे दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है, उनके सारे काम रुके हुए हैं, एलजी साहब ये हड़ताल तुड़वा दो, ऐसे दिल्ली वालों से बदला मत लो। एलजी साहब नहीं माने। फिर एक दिन जून के महीने में, पिछले महीने, मैं और मेरे साथ 3 मंत्री, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी, सतिंदर जैन जी, हम तीनों एलजी साहब से मिलने के लिए गए।
इतना छोटा सा, उसी में हम चार लोग सोते थे, उसी में चार लोग रह रहे थे। 9 दिन तक मैं अपने बच्चों की नौकरी लगवाने नहीं गया था। मैं अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं गया था ठेके मांगने एलजी साहब से। मैं अपने बच्चों के एडमिशन कराने नहीं गया था एलजी साहब से। मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार मांगने के लिए गया था। सरकार से कोई
भाई आके आपके घर में राशन की बोरियां पहुंचा जाएगा। पिछले तीन साल से
आपने फाइल मंगा के वो स्कीम भी कैंसिल कर दी दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश के लिए कुर्बान होने वाले सैनिकों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए? मिलना चाहिए? एलजी साहब कहते नहीं होने दूंगा। एलजी चोर है। एलजी साहब कहते नहीं होने दूंगा। बताओ दिल्ली में दिल्ली वालों की चलनी चाहिए कि एलजी की चलनी चाहिए? जनता की चलनी चाहिए कि एलजी की चलनी चाहिए? अपराध बहुत बढ़ गया, सीसीटीवी कैमरे लगवा दो, सीसीटीवी कैमरे लगवा दो। बताओ कौन कौन मानता है सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए? पूरी दिल्ली कह रही है सीसीटीवी कैमरे लगाओ। एलजी कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दूंगा। एलजी कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दूंगा। हम लोग 10 बार मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जितनी सरकारी नौकरियां निकल
दिल्ली के रहने वाले दिल्ली के मतदाताओं के कितने हजार बच्चों को हर साल नौकरियां मिलने लग जाएंगी? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाए, हजारों बच्चों को नौकरियां मिलनी चालू हो जाएंगी दोस्तों।